हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो फिर से एक नया ब्लॉग लेके हम आ गए। तो चैनल नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और दोस्त लोग के साथ शेयर भी कर देना। तो आज का ब्लॉग पूरा का पूरा होगा चनाचूर मेकिंग बिजनेस। तो कैसे आपको चनाचूर मेकिंग बिजनेस करना है, कितना मुनाफा होगा, कितना खर्चा होगा, कहाँ से मशीन खरीदना है, पूरा ए टू जेड बता देंगे। वीडियो को फास्ट से लेके लास्ट तक देखते रहो। कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल भी कर सकते हो। स्क्रीन में हम नंबर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। गाइस फॉलो करो। गाइस फाइनली हम आ गए फैक्ट्री, चनाचूर मेकिंग फैक्ट्री। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो चनाचूर, झूड़ी बाजार, नमकीन सब मेकिंग और है। तो गाइस ऐसे करके आपको मेकिंग करना पड़ेगा। तो जो भाई लोग फैक्ट्री डालना चाह रहे हो तो मशीन कहाँ से ख़रीदना है पूरा बताएंगे, और ये बिजनेस करने के लिए आपको मिनिमम कितना खर्चा पड़ेगा पूरा डिटेल्स हम बताएंगे। और वीडियो को फास्ट से लेके लास्ट तक देखते रहो तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आधा करके करते स्किप करोगे तो पूरा का पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को फास्ट से लेके लास्ट तक देखते रहो। तो गाइस देख ही पा रहे हो। और हाँ, ये बिजनेस करने के लिए आपको पूरा प्रोडक्शन लेके ही आपको काम करना पड़ेगा। ग्लव्स वगैरह सब कुछ आपको ख़रीदना पड़ेगा, ई मशीन ख़रीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बेसन लगता है, मैदा लगता है और आपका मस्टर्ड ऑयल या रिफाइन ऑयल या पाम ऑयल। जैसे आप क्वालिटी बनाओगे वैसे करके आपको ख़रीदना पड़ेगा। कम क्वान्टिटी में आप ज़्यादा माल लीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा गाइस। और आप लोग सोच रहे हो कि यही सब बना के आप लोग मार्केट में सेल करोगे, तो गाइस ह्यूज क्वांटिटी पे आप सेल करना चाहते हो तो इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे रजिस्टर करके नया पैकेज लेके लीड खरीद सकते हो गाइस। तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। जो भाई लोग फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया प्रोसेस है फैक्ट्री डाल के माल तैयार करके आप इंडिया मार्ट के थ्रू पूरा सेल कर सकते हो, या आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेके मैंने देके वो भी कर सकते हो। आप फ्रेंचाइज़र हो के फ्रेंचाइजी दो तब आपको मुनाफा होगा, आपका चैलेंज बढ़ेगा। तो चैलेंज वाइज आपको सेल करना पड़ेगा पूरा मार्केट और तब आपका मुनाफा होगा। और ई बिजनेस करने के लिए आपको ई मास्टर्ड ऑयल आपको चाहिए, तो मास्टर्ड ऑयल ख़रीदने के लिए तभी आप बड़ा बाज़ार हो या इंडिया मार्ट हो या मिस्त्री मार्ट या बाज़ार बॉय कहीं से भी आप माल परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, मुझसे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। मास्टर्ड ऑयल पूरा सस्ता का सस्ता हम दे देंगे, पाम ऑयल कुछ भी चाहिए, बेसन वगैरह पूरा का पूरा ट्यूटोरियल हम दे देंगे, लिस्ट आपको दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर होगा मेरा तो उसमें कॉल करो, पूरा कहाँ से माल ख़रीदना है, मशीन कहाँ से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, अगला जो मशीन देखे हो वो मशीन था आप चनाचूर बनाने का मशीन, और ई मशीन है आपका मिक्सिंग मशीन। जो पपड़ी आप डिज़ाइन वाला पपड़ी आप बनाए हो वो सब यहाँ पे मिक्स होता है। ये पपड़ी ओपड़ी पूरा जितना भी आप डिज़ाइन का पपड़ी बनाए हो तो ई मशीन ख़रीद के आपको मिक्स करना पड़ेगा। हाथ से मिक्स कर सकते हो, जिस भाई लोग का बजट थोड़ा ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो भाई लोग ई मशीन परचेस करके ज़्यादा क्वांटिटी से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जिसका यूज परिवहन कस्टमर है उसके लिए ई मशीन बढ़िया मशीन है। और पपड़ी बहुत ज़्यादा पपड़ी देखिए ई कंपनी कितना क्वालिटी बढ़िया रखता है। तो एक बात है, जितना आप क्वालिटी बढ़िया रखोगे आपका सेल उतना ही होगा, क्योंकि ये चनाचूर है पूरा डेली के डेली बेचने का आइटम। तो इसमें आप चनाचूर मैंने क्वांटिटी क्वालिटी आप घटिया रखोगे तो आपका फर्स्ट टाइम तो आप सेल कर दोगे मगर सेकेंड टाइम सेल होने के लिए प्रॉब्लम। और इतने टाइम से
आप लोग सोच रहे हो चिमनी सिंक का दाम कितना होगा और बिजनेस करने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा, तो बता रहे हैं। तो मशीन ख़रीदने के लिए आपको इंडिया मार्ट जाना पड़ेगा, इंडिया मार्ट वेबसाइट पे या मिस्त्री मार्ट वेबसाइट पे, वहाँ पे, या हमको कॉल भी कर सकते हो पर्सनली मुझसे ख़रीदने के लिए। तो ये मशीन का दाम आपका 60,000 से लेके 80,000 तक आपको पड़ जाएगा, ई मशीन, ऑटोमेटिक मशीन। और इसका छाँच वगैरह सब कुछ आपको फ्री मिलेगा डाइस, और इसका 10 ईयर आपका फ्री सर्विस रहता है। तो गाइस, ये बिजनेस रॉ मटेरियल्स आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम आपका 10,000 में आपका रॉ मटेरियल्स आ जाएगा। और आप बिज़नेस रजिस्टर भी कर सकते हो, GST वगैरह सब कुछ ले सकते हो, पूरा का पूरा 1,00,000 के अंदर आपका बिज़नेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो ये बिज़नेस करने के लिए आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा सबसे पहले, और GST आपको करना पड़ेगा। तो जब आपका बिज़नेस बड़ा होगा तभी ये सब करिएगा, नहीं तो पहले स्टार्ट करो नॉर्मल से, एक ट्रिक लाइसेंस बना लेना तो आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो देरी मत करो, तो वीडियो को ठीक से देखो, फास्ट से लेकर लास्ट तक पूरा सुनो, उसके बाद आप मार्केट रिसर्च करो, उसके बाद ही आप ये बिज़नेस स्टार्ट करो। क्योंकि बिज़नेस मशीन ख़रीदना ही सबसे बड़ा बिज़नेस नहीं होता है, मशीन ख़रीदने के पहले आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आपको मुनाफा होगा। नहीं तो आपका मशीन तो ख़रीद लोगे, आपका प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगा, मार्केटिंग में प्रॉब्लम होगा। तो गाइस, पहले मार्केटिंग करो, मार्केट देखो कितने पे आपका तैयार हो रहा है, कितना पे आप सेल कर रहे हो। ऑलरेडी मार्केट मैंने चनाचूर का पूरा पकड़ा हुआ है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो गाइस, ट्राई करो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी और लो प्राइस में आप सेल करने के लिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा गाइस। तो देख ही पा रहे हो पैकिंग ऐसे हो रहा है, आपको पैकिंग पाउच पैकिंग ख़रीदना है तो मुझे कॉल कर सकते हो। ई पैकेट आपको केजी में 220 रुपये।